दादा सुबह उठकर डिब्बा लेके गए थे तो उधर रोड तक पहुंचे और वहां से फिर वो ये ऊपर वाला तालाब था वो फूट गया तो अचानक पानी आया और पानी से बह गया। फिर हमने उनको उधर तक बहते देखे, फिर वो बह गया, उधर से दिखे ही नहीं। माता राम ने देखी। कैसे क्या हुई है घटनाएं? ये डूंगरिया डैम है जो बीती रात में बारिश होने के कारण वो किसी कारणवश फूट गया है, तो इसमें एक व्यक्ति जो सुबह नित्यकर्म के लिए उधर कहीं गया था तो वो बह निकला है। उसको हम SGRF के साथ अभी उनकी तलाश जारी है, तलाश कर रहे हैं। और लखनऊ दोनों में जो अतिवृष्टि हुई सर, उसमें अतिवृष्टि का तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास चुनौती थी कि जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत दिलाया जाए, तो उनको हम लोगों ने सामुदायिक भवन में लाए हैं और उनको खाना वगैरह बना के दे रहे हैं। और फिर वो जो नाले में जो जिसके कारण बाढ़ आई है उसको अब नगर पालिका के माध्यम से साफ सफाई करवा रहे हैं। लखनऊ में जो रोटा झील है उसके ऊपर से कल रात में 3 बजे से पानी बहा है, जिससे कि निचली बस्तियों में और निवारी टोला तरफ लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ जो व्यवसायी जो रोटा झील के आसपास हैं उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसका सर्वे सुबह प्रातः SP महोदय सिवनी एवं प्रभारी कलेक्टर महोदय सिवनी और एडिशनल कलेक्टर SDM साहब सब लोगों ने मिलकर उसको देखा है और राजस्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है और जो शासन की ओर से निर्धारित जो सहायता राशि दी जाती है सबको प्रदान की जाएगी। कोई बांध भी फूटा सर? ये डुंगरिया टोला में एक तालाब है, लोकल तालाब है, राजस्व का तालाब है, उसकी एक जगह से उसका एक हिस्सा टूट गया है। वहां से तो जानकारी लगी है कि एक आदमी वहां लापता है जिसकी तलाश जा रही है। कोई जनहानि? एक आदमी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। अभी तक के जीवन काल में ये जो स्थिति आज लखनऊ नगर की बनी है, काफी पानी आया हुआ है, पूरी बाढ़ की स्थिति निर्मित है, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, रोड खुद गई है, दुकानों में पानी भर गया है, बहुत ही खराब स्थिति, इतने सालों में ऐसी स्थिति हमने नहीं देखा यहाँ। अपने जीवन में इतनी ज्यादा बरसात की आफत नहीं देखी जो हमारा लखनऊ नगर है। लखनऊ नगर के 8 नंबर 6 नंबर और 3 नंबर कार्ड में घरों में लोगों को पानी भर गया, जानवर गए, रोटा झील कॉम्प्लेक्स पूरा व्यवसाय बंद था, यहाँ पे तीनों दुकानों में पानी भर गया, पानी के साथ साथ जो आजीवाजी कीचड़ रह गया है, कीचड़ पूरे दुकानों में भर गई, जिसमें लोगों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी कंपनी यहाँ पे मोहना जनरल स्टोर मोहना के प्राइस है, हमारा लाखों रुपये की ज्वेलरी पूरी कीचड़ में पूरी दवाई हो गई, चूड़ी कंगन के डब्बे जो थे पूरे वहीं जो जम गए बैठ गए, कीचड़ मट्टी भर गई, जिसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ। मतलब हमको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ, लाखों रुपये फिर लगाएंगे तब हमारा जीवन यापन और जिंदगी चालू होगी।